हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए आज के एजुकेशन ब्लॉग के अंदर। और आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के बारे में कि आप यहां से अपने ट्रांसक्रिप्ट को कैसे ले सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका कोई भी पर्पज है, आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप PR के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आपका कोई और भी पर्पज है, या आप पर्सनली ट्रांसक्रिप्ट लेना चाहते हो, तो कैसे आप नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के बारे में से अपने ट्रांसक्रिप्ट ले सकते हो। और इसके अंदर मैं रीजनल कॉलेज ऑफ कुरुक्षेत्र और NIT कुरुक्षेत्र के बारे में बता करूंगा, क्योंकि पहले ये रीजनल कॉलेज होता था, फिर बाद में इसको नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कुरुक्षेत्र बना दिया गया। तो आपको कैसे ट्रांसक्रिप्ट लेनी है, क्या इसकी फीस रहेगी, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो चलो सारी बातों का स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपको गाइड करते हैं। तो स्वागत है, जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के बारे में कि कैसे आप अपने यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट को ले सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में, आपकी क्या फीस रहेगी, क्या आपके प्रोसीजर रहेंगे, कैसे कैसे आप, अगर आप आउट ऑफ कंट्री भी हो तो कैसे आप ट्रांसक्रिप्ट को अप्लाई कर सकते हो, कैसे ले सकते हो, किसी एजेंसी में भेज सकते हो, VAS, IQAS, IAS, CES या कोई भी और एजेंसीज हैं उनको कैसे भेज सकते हो। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी आप बाहर के लिए जाना चाहते हो, तो कैसे आप अपने ट्रांसक्रिप्ट ले सकते हो, तो वहीं आज स्टेप रहने वाले हैं, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको और गाइड कर दूं, अगर इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप 87, मैं एक नंबर आपको देता हूं और उसमें 8727832882, दिस इज माई नंबर। अगर उसके बाद अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है। सबसे पहले स्टेप के लिए आपको जाना है गूगल पे या किसी भी जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं वहाँ पे लिखना है NIT गुरु SHETRA कुरुक्षेत्र और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके आगे ये होम पेज खुल जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के बारे में। उसके बाद आपको क्या जाना है, अकेडमिक पे जाना है। अकेडमिक में जाने के बाद आपको जाना है स्टूडेंट सर्विसेज में। स्टूडेंट सर्विसेज में जैसे आप जाओगे तो वहाँ पे है ट्रांसक्रिप्ट प्रोसीजर, तो आपने क्या करना है ट्रांसक्रिप्ट प्रोसीजर को यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके आगे ये जो पेज खुल जाएगा दोस्तों, ये ट्रांसक्रिप्ट का सारा प्रोसीजर खुल जाएगा, बट इसके अंदर आपको एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पे पहुंच जाओगे तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपके आगे एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म को क्या करना है, आपने अपनी हैंड राइटिंग के अंदर फिल करना है। तो जनरल एप्लीकेशन फॉर्म है ये, इनवाइटेड एकेडमिक डेट लिख देनी है, थ्रू हेड ऑफ डिपार्टमेंट, रिस्पेक्टेड वार्ड होम हॉस्टल, ठीक है। तो ये सारा का सारा उन्हीं के लिए, बट हमारा जो सब्जेक्ट है टू इश्यू रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट टू सोल्व द इश्यू एज मेंशन, तो हमने ये लिखना है यहाँ पे काइंडली अरेंज द इश्यू द फ्लोइंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ट्रांसक्रिप्ट पर्पज और रिसोल्व द इश्यू ऑफ द ब्रीफ ब्लॉग, प्लीज टिक विच इज रिक्वायर्ड। तो हम आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए आपको ट्रांसक्रिप्ट के, आपको टिक कर देना है ट्रांसक्रिप्ट। जैसे ही आप टिक करोगे तो 450 आपका फर्स्ट सेट ऑफ बीटेक के लिए, अगर उसके बाद जितने आपको सेट चाहिए उसके लिए 90 रुपीज आपकी फीस बढ़ती जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको एमटेक का चाहिए तो 250 है उसके साथ, अगर आपको और भी चाहिए तो इसकी 50 के हिसाब से बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर आपको एमसीए चाहिए तो उसकी 350 है उसके साथ, उसकी फीस 70 बढ़ती जाएगी। आपको 500 लगेगा और 600 थ्रो पोस्ट है जो बिफोर 60th कन्वर्सेशन से हैं, और 1000 रुपये उनको लगनी है, 1000 की जगह ये 1100 हो गया थ्रो पोस्ट लगेगी जिनकी फ्रॉम 16 कन्वर्सेशन के बाद। ये डिग्री सर्टिफिकेट्स के लिए, ये ट्रांसक्रिप्ट के लिए नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो हमारा जो हमने जो मेन है हमारा ये 3 वाला है जो हमने देखना है दोस्तों। कुछ एनी अदर है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो, आपका डिस्क्राइब इन ब्रीफ एनी अदर इज एप्लीकेबल है तो आप उस पर लिख सकते हो, ब्रीफ द इशू अलॉन्ग विद द स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट। ये सारे स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट हम आगे चल के देखेंगे, बट आप नॉर्मली ही आपने सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है, लाइक आपका नेम, रोल नंबर, फादर नेम, कितने सेमेस्टर हैं,
आपने क्या किया हुआ है, यहाँ से बीटेक किया हुआ है, आपने एम टेक किया हुआ, एमबीए, एमसीए, पीएचडी, ब्रांच स्पेशलाइजेशन यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ईयर ऑफ जो पासिंग है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, जिससे भी आपने पास आउट हो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आपका ईमेल एड्रेस, थैंक यू, मोबाइल नंबर लिख के योर फेपल, आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कुछ नहीं भरना, ये फॉर ऑफिस यूज के लिए, ठीक है दोस्तों। जैसे ही हम अपना फॉर्म वहां पे कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद हमने स्टेप डीपली देखने हैं कि हमने कैसे कैसे उसको भरना है, क्या क्या उसके अंदर भरना है, कैसे भेजना है इनके पास, कैसे हमें ट्रांसक्रिप्ट रिसीव होगी। तो जैसे कि मैंने बताया था ट्रांसक्रिप्ट के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कुरुक्षेत्र के बारे में, तो इसको रीजनल कॉलेज, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज या कुरुक्षेत्र और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। अगर जिन्होंने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की उनको डिग्री मिली है तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको बताया कि मैंने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के बारे में बताया, तो उसके बाद हमें ट्रांसक्रिप्ट लेने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट में बताया था कि आपको अकेडमिक में जाना है, होम फेज के बाद उसमें जो स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है, स्टूडेंट फॉर्म के अंदर उसको आपने डाउनलोड कर लेना है, और उस जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, उस फॉर्म को आपने कम्प्लीटली फिल कर लेना है। फिल करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा दोस्तों ट्रांसक्रिप्ट फीस। हमारी फीस जैसे कि मैंने बताया कि आपको 450 रहने वाली है एमटेक के लिए या एमसीए के लिए, और उसका अगर आपको एक सेट से ज़्यादा सेट रिक्वायर्ड है, उसी के साथ साथ आपको अपने पैसे बढ़ाते रहना है। जैसे बीटेक के लिए हमने 450 बताया था, अगर उसके साथ आपको ट्रांसक्रिप्ट का एक और सेट चाहिए तो उसके लिए आपके 90 रुपीज़ पर सेट आपका रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी फीस है ट्रांसक्रिप्ट फीस है, वो आपने किसके देनी है। आप डिमांड ड्राफ्ट भी बना सकते हो इन अ फेवर ऑफ ए डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में, और SBI के अंदर पे कर सकते हो, जो NIT कुरुक्षेत्र है, ब्रांच कोड है 6260। तो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा के सारा कहीं से भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट्स को पे आउट कर सकते हो। ये सारा कुछ आपको दिया है, अगर आपको ये सारा कुछ चाहिए है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो फी इन द मेन अकाउंट इन द इंस्टीट्यूट्स नंबर, ये उसका इंस्टीट्यूट्स नंबर हो या आपके कोड है, इसमें भी आप डायरेक्ट पे करके इसका PDF डाउनलोड कर लेना प्रूफ का, और उसको आपने साथ में लगाना है, जैसे कि नेक्स्ट बताऊंगा। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, देखिए दोस्तों, अगर आपको एक सेट चाहिए तो आपको एक सेट ही DMC डिग्री का लगाना पड़ेगा। आपको अगर एक से ज़्यादा सेट चाहिए, मैं आगे बताऊंगा वो कैसे भेजने हैं, तो आपको उतने सेट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सेट आपको फोटोकॉपी इसके साथ लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है हमें, द सेट में इंक्लूडेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल डिटेल्ड मार्क सर्टिफिकेट, जिसको हम DMC बोलते हैं, उसकी ऑल DMC हमारे पास होंगी, ठीक है। फोटोकॉपी ऑफ डिग्री की होगी, अगर जिन लोगों के पास डिग्री नहीं है तो उनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा तो वो लगा सकते हैं। आपका जो सिलेबस है वो लगेगा, अब वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस का आपका एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म लगेगा, अगर आप वेस को नहीं कर रहे, IQS को कर रहे, CES को कर रहे, ICES को कर रहे हैं, तो उनके एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म लगेंगे और आपने इसके साथ अप्लाई कर देना है, ठीक है। ID प्रूफ में अगर हम बात करें तो फोटोकॉपी ऑफ फोटो की ID प्रूफ क्या रहेगी, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा आपको आपका लाइक आपका वोटर कार्ड हो गया, उस पर भी फोटो होती है, पैन कार्ड के ऊपर भी फोटो होती है, आधार कार्ड के ऊपर फोटो है, तो आप ये साथ में लगा दोगे, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए ये फोटोकॉपी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ भी आजकल हमारे सारे ID प्रूफ के ऊपर आता है, जिसमें हमारा खुद का नाम हो, फादर नेम हो, या जिनकी शादी होगी उनके स्पाउसेस का नाम हो, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे इंडिया ने आपको दिया है, आप उसको साथ में लगा सकते हो, वो भी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आपको एक से ज्यादा ट्रांसक्रिप्ट आपको रिक्वायर्ड है तो उतनी फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एज ए सेट फॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्ट। एक से ज्यादा, जैसे हमने बताया था आपको 90 रुपीज वहां फीस लग रही है, तो आपने उतने सेट ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपने साथ में भेजने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट बाय द स्पीड पोस्ट रजिस्ट्रार, जितने भी जो भी मैंने बताया, जैसे आपने फॉर्म ले लिया, आपने डॉक्यूमेंट ले लिया, आपने डिग्री ले ली, आपने फीस ले ली, आपने वेस्ट का एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म ले लिया, ठीक है, इन सारों को अपनी ID फोटो वाली ID ले ली, आपने एक और ID ले ली, एड्रेस वाली ID ले ली, इन सब को एक सीरीज में लगाने के बाद इनका एक सिंगल PDF आपने बना लेना है, ठीक है दोस्तों।
और सारे के सारे आपने फोटोकॉपी करवा के यहाँ पे इस साइट, यहाँ पे आपने डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमी, ये जो आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है इसको आपने सेंड कर देने हैं। जैसे ही आप इनको सेंड करोगे, ये 7 से 14 डेज में ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट आप, ये भी हो गया कि हमने प्रोवाइड कर दी, अब हमें कैसे मिलेगी और ये कैसे वापस वहाँ पे जाएगी? तो इसके लेने के लिए इन्होंने ये बताया दोस्तों, यहाँ तो आप ले सकते हो 7 से 14 दिन के बाद एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर जाके, वहाँ से आपने इसको पोस्ट कर देना है। अगर आप वहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ पे वहाँ पे कोई स्टूडेंट है या कोई फैकल्टी है, उसको आपने इस ईमेल आईडी पे वहाँ पे अपनी सारी एप्लीकेशन लिख देनी है, अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो, कि मैं नहीं आ सकता हूँ। और इसके साथ साथ उसको ऑथोराइज कर देना है, उसका नाम लिख देना है, तो ये ट्रांसक्रिप्ट उसको मिल जाएगी और वो आपकी एजेंसी जो भी, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, वैस, IQS, CES या जो भी अदर्स है, स्टडी वीजा के लिए आप कनाडा भेज रहे हो, UK भेज रहे हो, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हो, जहाँ पे भी आइए वहाँ पे वो एड्रेस लेके वहाँ पे ही पोस्ट ऑफिस से, वहां से ही पोस्ट कर दी जाएगी और ये वहां पे चले जाएगी। तो ये ब्लॉग आज आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, और ऐसे ऐसे ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने और भी यूनिवर्सिटियों की ट्रांसक्रिप्ट की वीडियोस बनाई हुई है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, टेक्निकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे हर चीज़ को फाइंड कर सकते हैं कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, या आप हाउ टू अप्लाई वेस्ट, उसके अंदर आपको चैनल में ये भी मिल जाएगा। और हमारी कमिंग वीडियोज़ PR से रिलेटेड भी आने वाली है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।